तो उसके बाद हमने काफ़ी रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हमें कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा कमा सकते हैं और हम अपने ट्रैवलिंग वाला पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। हाय हाय गाइस, गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही पर्सनल और इंफरटेनिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी दुबई की जर्नी के बारे में, कि हम दुबई कब आए, क्यों आए, कैसे आए, हमारे यहाँ पर जॉब्स कैसे लगी और क्यों हम इंडिया वापस जाने वाले थे, मगर फिर हमने अपना डिसीजन चेंज करके यहाँ पर रुकने का फैसला किया। और काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे हमारे लविंग सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि आप अपने लाइफ के बारे में, अपने दुबई की जर्नी के बारे में वीडियो बनाएं, और हमने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि हम उनके लिए वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, बट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस इस वीडियो को आने में टाइम लग गया। तो आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए डेडिकेटेड है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स लेट्स गो। गो। तो गाइज, मैं सबसे पहले दुबई आई थी फरवरी 2012 में फॉर जॉब, और मैं यहाँ पर 3 साल रही ऑलमोस्ट, 2012, 13 एंड 14। एंड 2014 में आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया बिकॉज वी वर गेटिंग मैरिड। डेट बता दूँ, नहीं दिसंबर 2014। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ से दुबई में थोड़ा बोर हो गई थी एंड आई वॉन्टेड अ चेंज, तो इसलिए मैं वापस से इंडिया मूव हो गई। और इंडिया में मेरी काफ़ी अच्छी जॉब थी, और शादी के बाद हमने 3 BHK घर लिया एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में दिल्ली में, और वहाँ पे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी, बड़ा फ्रेंड सर्कल ग्रुप था, और हम हर वीकेंड पे काफ़ी सारी पार्टीज़ करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। लाइफ वॉज रियली ब्यूटिफुल और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ से वापस इंडिया मूव होने के बाद मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड लाइफ वॉज अमेजिंग। पर तभी हम अपने हनीमून के लिए यूरोप ट्रिप पे गए और उस एक ट्रिप ने हमारी आंखें खोल दी, और वहाँ से वापस आने के बाद हमें वो रियलाइज़ हुआ जो हमने कभी इससे पहले सोचा भी नहीं था। और क्या हुआ, वी विल टेल यू नेक्स्ट। और यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज घूमने के बाद में वी रियलाइज्ड कि ट्रैवलिंग इज़ आवर पैशन, और हमने अपना लाइफ का गोल बनाया कि हम हर साल कम से कम 2-3 कंट्रीज ज़रूर घूमने के लिए जाएंगे। तो इंडिया में इतने सारे टैक्सेस पे करने के बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन हैंड सैलरी काफ़ी कम हो जाती है, और भले ही आप दोनों लोग जॉब कर रहे हो पर इंडिया में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको अपना रेंट पे करना है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जैसे कि हर इंडियन चाहता है कि अपना खुद का घर खरीदना जो कि हर एक का सपना होता है, उसके लिए सेव करना प्लस रिटायरमेंट फंड, और इस सब के बाद लाखों रुपए स्पेंड करना हर साल अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम अपने ट्रैवल गोल्स को फुलफिल कर पाएँ। तो उसके बाद हमने काफ़ी रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हमें कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे हम ज़्यादा कमा सकते हैं और हम अपने ट्रैवलिंग वाला पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में कनाडा वाज द फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे लिस्ट में आया, क्योंकि तो उस टाइम पर कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR ईजिली मिल रहा था, बट उसके साथ में ही दुबई भी एक प्रोबेबल ऑप्शन आया, क्योंकि निखार पहले भी दुबई रह चुकी थी और यहाँ की लोकेशन की वजह से हम काफ़ी कंफर्टेबल थे, और उसके अलावा कनाडा जैसी दूर जगह पे भेजने के लिए हमारे फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं थी। तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे दुबई और कनाडा के बीच में, पर फिर हमने दुबई चूज़ करा, और हमने दुबई क्यों चूज़ करा इस टॉपिक के ऊपर में हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन करा है दोनों कंट्रीज़ के प्रोज एंड कॉन्स और क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमने दुबई मूव होने का डिसीजन लिया। और जैसे ही हमने डिसाइड करा कि दुबई इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर अस, उसी टाइम पर आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम दुबई विच वॉज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। और मुझे ये जॉब ऑफर कैसे मिला इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है जो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो बैक इन 2012 जब मुझे दुबई से जॉब ऑफर आया था, वो एक ट्रैवल कंपनी से था, बिकॉज़ अगर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री प्लस आई हैव डन अ डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो इसलिए आई बीन वर्किंग इन ट्रैवल इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ ट्रैवल हमारा पैशन भी बन चुका है। उसी कंपनी में मेरा एक कलीग था एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू ओपन हिज ओन कंपनी, उस टाइम पर ही ऑफर्ड मी दिस जॉब बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू वर्क विद हिम, बिकॉज उसने और मैंने पहले भी साथ में एक कंपनी स्क्रैच से बिल्ड करी थी। तो इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट टू गिव शाउट आउट टू भरत, थैंक यू भरत फॉर ऑफरिंग मी दैट जॉब, बिकॉज अगर उस टाइम पर मेरे पास वो जॉब नहीं होती तो हमारे लिए दुबई मूव होना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। और गाइस, काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मैं क्या करता हूँ। तो मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैं डेटा एनालिटिक्स फील्ड में काम करता हूँ। नाउ बैक इन 2016 जब निखार को दुबई से जॉब ऑफर मिली, उस टाइम पर मैंने अपने मैनेजर से जाकर बात करी कि मुझे जाके दुबई में जॉब ढूंढनी है, तो बिकॉज मेरी उनके साथ में एक बहुत ही अच्छी रैप होती और वो मुझे मेरे काम की वजह से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक बेटर ऑप्शन सजेस्ट किया कि मैं दुबई जाकर वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ
और अगर मुझे यहाँ पे जाके दुबई में कोई बेटर जॉब मिल जाती है तो आई कैन रिज़ाइन फ्रॉम इंडियन जॉब, और अगर नहीं मिलती तो मैं वापस इंडिया आ सकता हूँ। एंड नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल टू साजिद भाई और पांडे सर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरे बारे में इतना कुछ सोचा और मुझे उस टाइम पर काफ़ी सपोर्ट किया। तो आइए आपको सुनाते हैं मेरी जॉब सर्च की स्टोरी कि मेरी यहाँ पर जॉब कैसी लगी। तो जब यहाँ पर शुरुआत करी मैंने तो ऑब्वियसली मैं इंडिया की जो मेरी जॉब थी वो कंटिन्यू कर रहा था और मैं रोज़ सुबह उठ के कम से कम 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर जॉब अप्लाई करता था। लिंक्डइन पे कम से कम 10 या 15 कॉन्टैक्ट्स बनाता था, उन्हें मैसेजेस करता था कि आपके टीम में कोई ओपनिंग है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है, और डिमांड के हिसाब से उनसे बात करता था। और ऐसे करते करते मुझे कम से कम 3-4 पक्के लीड्स मिल गए और मेरे इंटरव्यूज़ हुए और फाइनली दिसंबर के एंड तक आई हैड 2 जॉब ऑफर्स इन माई हैंड, माशाल्लाह। और उन दोनों में से मैंने फाइनली एक जॉब सेलेक्ट करी और जनवरी से उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। एंड गाइज वी फील कि वी आर रियली ब्लेस्ड एंड आई वॉन्ट से लकी, बिकॉज लकी ऐसा साउंड करता है कि बाई चांस आपको कोई चीज़ मिल गई हो, बट हम बिलीव करते हैं कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बिकॉज अगर आप अपने आस पास के सभी लोगों का भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है और आपने कभी किसी का लाइफ में गलत नहीं करा, सबके साथ अच्छा करा है, सबकी हेल्प करी है, तो ऊपर वाले का हाथ हमेशा आपके सर पे रहता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि ऊपर वाले ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमने लाइफ में जो भी नई चीज़ ट्राई करी है, जो भी रिस्क लिए हैं, जब भी कुछ नया करने की कोशिश करी है, लाइक दिस यूट्यूब चैनल जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल हो पाएगा, तो वी फील कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें लाइफ में हर चीज़ जो भी हमने चाहिए वो मिल गई है। एंड वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी अराउंड अस एंड टू ऊपर वाला, हर ऊपर वाला नहीं, अलमाइटी गॉड। तो गाइज हमने इनिशियली प्लान करा कि हम 2-3 साल के लिए दुबई आ जाते हैं, बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई में टैक्सेस नहीं है, तो हमने सोचा कि यहाँ की टैक्स फ्री इनकम से हम काफ़ी सारा पैसा सेव कर सकते हैं और उस पैसे से हम इंडिया में जाके अपना खुद का घर ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी ज़्यादा मेजर एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे, लाइक रेंट एंड ईएमआई वगैरह हमें नहीं पे करने पड़ेगी, तो हम अपनी अर्निंग्स का ज़्यादातर हिस्सा अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि दुबई मूव होने के बाद इनिशियली हमें क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में हमारे बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ी होती है, मेड होती है घर का काम करने के लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ होती है मोस्टली लोगों की, तो और हमारी भी थी। बट यहाँ मूव होने के बाद, बिकॉज हमारा गोल था कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2-3 साल रहना है और उन 2-3 सालों में हमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा सेव करके वापस इंडिया लेके जाना है अपना खुद का घर खरीदने के लिए, तो इसलिए इनिशियली तो हम एक शेयरिंग अपार्टमेंट पर रहे थे जब तक 2 महीने के लिए, जब तक मसरूर की जॉब नहीं लगी थी, और फिर हम अपने खुद के घर में मूव हो गए थे विच वॉज़ 1 BHK, और क्योंकि लाइसेंस मिलने में टाइम लगता है तो इनिशियली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ा, तो हम रोज़ ऑफिस बस और मेट्रो में जाते थे, जबकि इंडिया में आपको पता है कि सारी कंपनीज़ कैब सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो आप आराम से मस्त गाड़ी में बैठ के अपना म्यूज़िक सुनते हुए या सोते हुए ऑफिस जाते हैं एकदम रिलैक्स करके, पर यहाँ पर हमें खड़े होकर बस और मेट्रो में जाना पड़ता था विच वॉज़ वेरी टायरिंग। और हमारे पास मेड भी नहीं थी, तो हम दोनों जॉब करने के साथ साथ घर के सारे काम भी खुद करते थे, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा स्टार्टिंग में, जो कि आई थिंक मोस्टली सभी लोगों को करना पड़ता है। और इसके अलावा हम अपने जो भी ग्रोसरीज करते थे या फिर कुछ भी स्पेंड करते थे तो बहुत ही हाथ रोक के चलते थे, सोचते कि ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप इंडियन भले ही विदर्भ में कमा रहे हैं तो आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके सोचते हैं कितना होगा, और वैसे ही आप स्पेंड करते हैं। प्लस हमारे पास शुरू से हमारा माइंडसेट ये था कि यहाँ पर हम सिर्फ टेम्परेरी हैं और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जितना ज़्यादा सेव कर सकें, उस टाइम पर हमारे सर पे सेविंग का भूत सवार था कि हमने एक गोल सेट करा था एक अमाउंट कि जितनी जल्दी हमने ये अमाउंट अचीव कर लिया उतनी जल्दी हम वापस इंडिया मूव हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे रहने के लिए जो हमने शुरू में अपने दिमाग में एक बहुत बड़ा फिगर रखा था कि इतना सेव करने के बाद में हम वापस इंडिया चले जाएंगे, वो हमने 2 साल में ही सेव कर लिया माशाल्लाह। और लेकिन उसके बाद में हमारे दिमाग में सेकंड थॉट्स आने लगे कि हम वापस इंडिया जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि हमें 1 साल के अंदर ही हमने एक अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर था, अच्छी लाइफस्टाइल थी, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त थे, तो हमारी काफ़ी लाइफ अच्छी चल रही थी। और हमने 5 साल के अंदर ही हम जब फॉरेन ट्रिप के लिए गए जॉर्जिया, ग्रीस और टर्की, तो हमें लगा कि दुबई इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि यहाँ से आप किसी भी कंट्री आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं।
और क्योंकि आप धर्म में कमा रहे हैं तो आप फॉरेन ट्रिप्स बहुत ही इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस एज ऑफ नाउ दुबई हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ। तो एज ऑफ नाउ कहीं और नियर फ्यूचर में कहीं और जाने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बट अगर हम कहीं और मूव होते हैं यू नेवर नो आगे फ्यूचर में क्या होगा, हम इंडिया मूव होंगे या किसी और कंट्री मूव होंगे या यहीं पर ही रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा जो भी हम फ्यूचर में आगे डिसाइड करते हैं। और गाइस तो ये थी हमारी दुबई की जर्नी की पूरी स्टोरी, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी जानने में बहुत ही मज़ा आया होगा, काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग लगी होगी। और अगर आप भी इंडिया से बाहर कहीं मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो वी होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिली होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, डीएम में, ईमेल्स पे और व्हाट्सएप पे, तो इसलिए सभी सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दे पाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय।